हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग और आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि सर्वेइंग का ही एक पार्ट है पार्ट बी का तो शुरू करते हैं लेक्चर को तो अगर मैप प्रोजेक्शंस की बात करें और उसकी क्लासिफिकेशंस की बात करें तो जो है अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ जो मैप प्रोजेक्शन है डेवलप किए गए हैं एक ग्लोब को जो है टू पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए पर वो सारे मैप प्रोजेक्शंस जो है उस टाइम में जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे तो इसीलिए जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे और उनके कोई भी कॉमन यूनिक फीचर्स पैरामीटर्स मैच नहीं करते थे इसीलिए जो उनको अलग अलग कंस्ट्रक्ट बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे ये जो टेबल शो हो रही है ये जो है अलग अलग डिफरेंट बेसिस पे जो है कौन कौन सी क्लासेस में जो है मैप प्रोजेक्शन को बनाया गया था उसकी क्लासिफिकेशन है तो यहाँ पे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर पर्सपेक्टिव और नॉन पर्सपेक्टिव क्लास आती है प्रिजर्व क्वालिटीज है इसके अंदर तीन क्लासेस आती है होमोलोग्राफिक ऑर्थोमॉर्फिक एजिमूथल डेवलपेबल सरफेस एरिया के अंदर जो है यहाँ पे चार क्लासेस आती है सिलेंड्रिकल कॉनिकल एजिमूथल एंड कन्वेंशनल और चौथा जो है, है, तो बेसिस है ये है पोजिशन ऑफ ट्रांजेंट सर्फेस पे जो है तीन क्लासेस है यहाँ पे पोलर इक्विटोरियल और ऑब्लिक और पांचवा जो बेसिस है यह है पोजिशन ऑफ व्यू पॉइंट और पोजिशन ऑफ लाइट तो इसके अंदर भी तीन क्लासेस है नोमोनिक स्टीरियोग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफिक ये वेरियस क्लासिफिकेशन है मैप प्रोजेक्शन के जो की वेरियस फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जो है क्लासिफाई किया गया है और इन क्लासिफिकेशन को जो है फोर जनरल क्लासेस में भी फर्दर डिवाइड किया गया है जो की सिलेंड्रिकल क्रॉनिकल एजीमुल और मिसलेनियस तो इनके बारे में बात करते हैं बारी बारी से जो मेजर प्रोजेक्शन मैप है वो चार क्लासेस हैं क्लासेज है एजिमुथल और मिसलेनियस के अंदर आते हैं कुछ तो इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्ट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन क्या होता है कि जब आप अर्थ सरफेस को जो है किसी एक सिलेंडर में रैप कर दो जैसे कि आप एग्जाम्पल से एक ऑरेंज ले सकते हो ऑरेंज जो है इसका छिलका जो है इसका छिलका जो है आप एक सिंगल पार्ट में कहीं से एक जगह से स्प्लिट करके और उसको एक प्लेन पेपर पे फैला दो वो जो है वही होता है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन तो इस केस में क्या होता है अर्थ सरफेस जो है हमारा एक पेपर से जो है रैप्ड होता है और ये जो है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है और इसी पेपर को जो है ओपन करके जब हम एक फ्लैट सरफेस पे प्रेजेंट कर देते हैं ये जो है हमारे थ्री ग्लोब को टू में रिप्रेजेंट करता है ये प्रोजेक्शन जो है इक्वेटर के अलोंग जो एरियाज हैं उनको लिए ज्यादा यूजफुल है मिनिमल डस्ट होता है पर जैसे जैसे ये पोल की तरफ बढ़ते हैं हम तो वहां पे जो है डिस्टोशन इंक्रीज हो जाते हैं और ये जो लाइन होती है सिलेंडर की ये जो लाइन होती है जहां से ये पेपर जो है रैप्ड है अभी इसको जिस लाइन से जो है आप स्प्लिट करते हैं ये फोल्ड होने के बाद ये जो लाइन आ जाती है अनफोल्ड होने के बाद तो ये जो इसकी सेंट्रल मेरेडियन के नाम से जाना जाता है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को थोड़ा इमेज के फॉर्मेट में समझे तो ये एक रिप्रेजेंटेशन को आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्लोब थ्री डी में ये सिलेंडर से रैप्ड है और इसको जब अनफोल्ड किया गया है तो यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोजेक्टेड टू डी सर्फेस में जो है आ गया है ग्लोब यहाँ पे कुछ वेरियस केसेज है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन एक तो नॉर्मल होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा उसके अलावा भी और भी वेरियस केसेज है जिसके थ्रू जो है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन किया जाता है थका. तो नॉर्मल है नॉर्मल केस में तो सिंपली रैप्ड है वर्टिकली जो है ग्लोब सिलेंडर से ट्रांसफर्स जो इसी के ऑपोजिट हो जाता है हॉरिजॉन्टली रैप्ड होता है ऑब्लिक में ये ऑब्लिक बनाते हुए जो है रैप करता है को उसके बाद जो है इनसाइड टैंजेंट और सेकेंड ये जो है छह केसेस हैं छिलड्रिकल के अलग अलग प्रोजेक्शन के लिए जिसमें से जो नॉर्मली जो है ये नॉर्मल वाला प्रोजेक्शन ही यूज होता है फर्दर चल के जो है यूटीएम प्रोजेक्शन भी जो है इसी प्रोजेक्शन का यूज करता है मैप को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके बाद अगला जो टाइप है वो है कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉनिकल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि एक कोन कोन जो होता है ये हमारे अर्थ सरफेस को जो है कवर करता है और फिर उस कोन को जो है कोन है इसको जो है इस लाइन से ओपन कर दिया ये लाइन जहाँ से इसको ओपन किया जा रहा है ये इसकी सेंट्रल मिरीडियन हो गई इस लाइन से जो है ओपन करके अनरैप करके ये एक फ्लैट सरफेस पे बिछा दिया गया तो ये एक जो है प्रोजेक्टेड मैप हो गया हमारा निकल प्रोजेक्शन की हेल्प से और इस प्रोजेक्शन में जो है ये जहाँ पे ये जो है अर्थ सरफेस के साथ में टच हो रहा है इसको जो है स्टैंडर्ड पैरेलल भी कहा जाता है ये प्रोजेक्शन जो जो है जो हमारा है हमारा पोलर एरिया इसके प्रोजेक्शन के लिए अच्छा माना जाता है कॉनिकल प्रोजेक्शन के भी वेरियस केसेस हैं जैसे कि नॉर्मल ट्रांसवर्स ऑब्लिक इनसाइड टैंज और सेकेंड की बात जो कॉनिकल प्रोजेक्शन में अभी जो मैंने स्टैंडर्ड पैरल की बात की थी वो ये है जो स्टैंडर्ड पैरल ये जो टेंजेंट जो है अर्थ सरफेस के साथ में टच हो रहा है ये जो है स्टैंडर्ड पैरेलल कहलाते हैं और ये जो लाइन है जहां से जो है इस पेपर को अनफोल्ड किया जाता है ये इसकी सेंट्रल मेरिडियन हो गई तो टेंजेंट के केस 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 में के केस में में है है सेम और ये सेकंड सेकंड के के जो दो स्टैंडर्ड पैरेलल बनते हैं यहाँ पे बाद अगला जो टाइप है वो है एजी प्रोजेक्शन तो एजिमुथल प्रोजेक्शन में क्या होता है अगर इसको इमेज से समझे तो एक फ्लैट पेपर जो होता है वो अर्थ सर्फेस पे किसी डायरेक्शन से जो है अर्थ सर्फेस के किसी एक पॉइंट को टच कर रहा होता है जैसे यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन वाला सर्फेस है टच कर रहा होता है और इसके अलोंग में जो भी रीजन इसको दिखता है वो जो है एक टू डी मैप में रिप्रेजेंट होके आ जाता है तो मुथर प्रोजेक्शन जो अलग अलग डायरेक्शन से अर्थ सर्फेस के पॉइंट को टच करते हुए जो है मैप को प्रोजेक्ट कराता है टू डी सर्फेस पे तो इसमें भी जो है ये थ्री केसेस होते हैं यहाँ पे ये पोलर केस है ये ऑब्लिक केस है और ये जो है ये इक्वेटोरियल केस है ये पोलर केस है पोलर पोल्स के अलोंग जो प्रोजेक्ट कर रहा है मैप को ये ऑब्लिक केस है और ये जो है इक्वेटर्स के अला प्रोजेक्ट कर रहा है तो ये इक्वेटोरियल

को ध्यान में रखते हुए जो है ये प्रोजेक्शन करना होता है जैसे कि प्रोजेक्शन पैरामीटर्स में अगर दो तरह के पैरामीटर्स आते हैं लीनियर पैरामीटर्स और एंगुलर पैरामीटर्स तो लीनियर पैरामीटर्स जो है ये प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूनिट्स को यूज करता है सीएस को और एंगुलर पैरामीटर्स जो है ये ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट्स को यूज करता है और लीनियर पैरामीटर के जो अंदर है इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जो हम कार्टेशियन सिस्टम के अलोंग जो है डिवाइड करते हैं पर इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव भी रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव भी तो ये जो नेगेटिव पैरामीटर्स है नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करने के लिए जो है

कि x और y वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव हो इसके बाद बात करें एंगुलर पैरामीटर्स के तो एंगुलर पैरामीटर्स के अंदर बहुत सारे जो है टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें एजी सेंट्रल मेरिडियन एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं तो एजी जो होता है ये क्या होता है एजी जो होता है ये रोटेशन एंगल जो कि मेजर होता है कंपास डायरेक्शन में नॉर्थ से कंपास डायरेक्शन में नॉर्थ से जो है जो एंगल मेजर होता है उसी रोटेशन एंगल को जो है एजमुथ बोलते हैं या फिर इसको जो है द रोटेशन ऑफ सेंटर लाइन ऑफ प्रोजेक्शन भी कहा जाता है सेंट्रल मेरिडियन क्या होता है ये होता है द ओरिजिन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा इसका ओरिजिन जहां से होता है उसको सेंट्रल मेरिडियन कहा जाता है और लॉन्गिट्यूड ऑफ ओरिजिन भी जो है ये भी सेम होता है ये भी द ओरिजिन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है और सेंट्रल पैरेलल और लैटिट्यूड ऑफ ओरिजिन ये भी जो है ये ओरिजिन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट के अंदर आता है और उसी तरह से ये जो लॉन्गिट्यूड ऑफ सेंटर और लैटिट्यूड ऑफ सेंटर भी जो है ये भी जो है ओरिजिन से ही रिलेटेड है और अगला जो टर्म है स्टैंडर्ड पैरेलल वन एंड पैरेलल टू ये जो है कॉनिकल प्रोजेक्शन में यूज होता है जो की मैंने आपको बताया था जहाँ पे जो है कोन का टेंजेंट जो अर्थ सर्फेस के साथ में टच होता है ये जो है इसका स्टैंडर्ड पैरेलल होता है जो कि टेंजेंट के केस में एक था और सेकेंड के में दो प्रोजेक्शन तो सिस्टम जो 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 हमारे पे डिपेंड करते हैं उनको लेके जो है ये कुछ कॉमन मैप प्रोजेक्शन बनाए गए जिनका यूज किया जाता है तो उसमें सबसे से सब पहला पोलिकोनिक प्रोजेक्शन पोलिकोनिक प्रोजेक्शन जो है इसको एक तरह से कहा जाता है कि ये जो है बहुत सारे मेनी कोन्स जो कॉनिकल प्रोजेक्शन जो है अपना उसी की हेल्प से बहुत सारे कोन्स को मिला के जो है ये पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन बनाया और ये जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जो अपना सिंपल एक कोन वाला जो प्रोजेक्शन सिस्टम है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है पोलिकोनिक प्रोजेक्शन जो है ये बेस्ट होता है नॉर्दर्न और सदर्न रीजन जो हमारा पोल वाला उसके लिए इसके बाद अगला जो कॉमन मैप प्रोजेक्शन है ये लैम्बर्ट्स एजी इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है ये जो है हमारा एज प्रोजेक्शन पे बेस्ड है और इसका नाम लैम्बर्ट्स एज प्रोजेक्शन इसलिए क्योंकि जॉन हेनरिच लैम्बर्ट ने जो है इसको प्रेजेंट किया था पहली बार और ये जो है ये आजकल भी यूज होता है जो हमारा एटलस होता है उसमें लार्ज एरिया के जो है प्रोजेक्शन के लिए जो है इस प्रोजेक्शन सिस्टम का यूज किया जाता है इसमें जो हमें अगर इंटायर कंट्री एक साथ प्रेजेंट करनी है पोलर एरिया ओशियनिक मैपिंग करनी है तो बहुत लार्ज एरिया को जहाँ पे कवर करना हो यहाँ पे जो है लैम्बर्ट प्रोजेक्शन जो है बेस्ट होता है क्योंकि ये लैम्बर्ट प्रोजेक्शन में जो हमने तीन टाइप पढ़ा था ये पोल्स को भी ऑब्लिक के अराउंड भी और इक्वेटर के अराउंड भी तीनों साइड से जो है प्रोजेक्शन करता है तो ये लैम्बर्ट एजिमुथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जो है तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है एक प्रोजेक्शन सिस्टम को प्रेजेंट करता है। है इसके बाद जो तीसरा टाइप यूटीएम प्रोजेक्शन ये जो हमारा सिलेंड्रिकल वाला प्रोजेक्शन था उसपे बेस्ड होता है इसका फुल फॉर्म जो है ये यूनिवर्स ट्रांसफर मर्केटर प्रोजेक्शन है और ये जो है वर्ल्ड वाइड जो है ये प्रोजेक्शन यूज किया जाता है जी में यूटीएम प्रोजेक्शन के बारे में जो हम डिटेल में एक अलग क्लास में पढ़ेंगे कि इसमें मैप जो है कैसे कितने जोन में डिवाइडेड है और किसी भी एरिया का यूटीएम जोन जानना हो तो उसके बारे में कैसे पता करेंगे इस यूटीएम प्रोजेक्शन को जो है हम अलग से एक क्लास में कवर कर लेंगे इसके बाद ये चौथा जो टाइप था ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट ये जो था मिसलेनियस प्रोजेक्शंस जो है जो किसी ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंडेंट नहीं होता है ये जो है लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स मिसलेनियस प्रोजेक्शन के अंदर आता है आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से जो है जितने भी हमारे मैप प्रोजेक्शन के क्लासिफिकेशन है इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच